नमस्कार बच्चों। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग दो टॉपिकों को विशेष रूप से डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट तो है बट अच्छा है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कोलिनियरिटी। यानी कभी कोलिनियर पूछ देता है, बोल देता है, कोई क्वेश्चन दिया है और दे दिया दो ठो वेक्टर, वेक्टर ए इक्वल टू कुछ दिया है, बी इक्वल टू कुछ दिया है। अब बोलता है इसको प्रूफ करो यार कि कोलिनियर है कि नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला देखिए, ये विभाजन का सूत्र आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास मान लीजिए 8, 9, 10, यानी मतलब कहा जा सकता है कि आप 8 से ही स्टार्ट कर देते हो और यहां तक कि ये हमेशा आपको मिलता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम कोलिनियरिटी की थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है, इसके बाद हम सेक्शन फॉर्मूले की ओर चलेंगे। तो देखिए, ये क्या है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि कोई भी पैरेलल वेक्टर है, मान लो कोई भी पैरेलल वेक्टर आप ले लो, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, डन। मतलब हम कोई भी यहाँ पे पैरेलल वेक्टर ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई भी पैरेलल वेक्टर ले रहे हैं। और यदि मान लीजिए जो वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी हो जाए, तो ए एंड बी इज द कोलिनियर। क्या है, ए और बी कोलिनियर है। मान लीजिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि यही देखिए, यदि दो ठो वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल हो, यहाँ पे हम किसकी बातें कर रहे हैं, पैरेलल होने चाहिए दोनों को। अब देखिए, तो जो वेक्टर ए होगा इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी के इक्वल होगा, डन, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं कि जब हम यहाँ एक चीज और से आपको बहुत अच्छा क्लियर होगा। यहाँ से मान लीजिए कि हम वेक्टर ए इक्वल टू कुछ ले रहे हैं, आइए हम लोग क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। मान लो कि वेक्टर ए इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू दे रहा है ए टू आई कैप प्लस वी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, इस तरह से दिया है। अब यहाँ पे हमें कोलिनियर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना, कोलिनियर। अब देखिए, कोलिनियर के लिए क्या होता है कि हम क्या बताएं आपको कि वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी हो जाएगा, वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी। अब देखिए यहाँ पे जब हम वेक्टर ए का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वेक्टर ए वन आई कैप प्लस वी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप इक्वल टू लेमडा ए टू आई कैप, ए टू आई कैप प्लस वी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, इस तरह से है। यदि हम वेक्टर ए यानी ए वन की वैल्यू यदि हम फाइंड करते हैं यहां से, तो क्या आपका आ रहा है लेमडा ए टू कॉमा, यदि बी वन की वैल्यू फाइंड करें तो लेमडा बी टू आ रहा है, एंड सी वन की वैल्यू फाइंड करोगे आप तो क्या आ जाएगा आपका C1 इक्वल टू लेमडा C2, क्लियर है। चलो, जब इतना आपका कॉन्सेप्ट यहां क्लियर होगा तब तो आप सभी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां पे थोड़ा सा आप समझते हैं कि A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 इक्वल टू लेमडा, क्या हम बोले A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 इक्वल टू लेमडा। यहाँ पे देखिए, मैं इसी को यदि मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो आपका ये आएगा। क्या कर रहे हैं हम, एक बार आप इसको इसके साथ लीजिएगा, क्या आ रहा है, यानी ए वन ए टू बाय इक्वल टू लेमडा, ए वन इक्वल टू लेमडा ए टू के इक्वल होगा। देखिए वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है। जब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो कैसनो सवाल आएगा रे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हाँ, ये क्वेश्चन आता है, बोलता है कि जैसे दो ठो वेक्टर, मैं सेम इसी तरह से देखिए क्वेश्चन लेकर बता रहा हूं और क्लियर होगा आप लोग को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बोल दिया कि कोलिनियर है, दो ठो वेक्टर का दे दिए क्वेश्चन और वहां पे कोलिनियर बोला है, अब वहां पे मुझे फाइंड करना है कि यार कोलिनियर है कि नहीं, इसी फार्मूले पे यूज करेंगे और जस्ट इसी तरह से सॉल्व करेंगे। आइए इसी पे बेस्ड पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं और बहुत आसानी से वहां से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, वेक्टर के मैं
जब तक मैं बार बार बोलता हूं कि बेटा जब तक आप लाइफ में तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। हाँ ठीक है, तो उसी के साथ देखिए नेक्स्ट जो मैं एक एक पॉइंट और एक एक टॉपिक पे डिस्कस किए जा रहा हूँ कि बच्चों को प्रॉब्लम होती है यार कि वेक्टर जो हम लोग पढ़ते हैं सर वेक्टर किसी से समझ में नहीं आता, लेकिन वेक्टर में कुछ है नहीं है। और वेक्टर आपका मजबूत नहीं है तो समझ लीजिएगा मैथ के फील्ड में करियर आपका नहीं है सर। वेक्टर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो एक तो कहावत भी है, जो आपका सबसे कमजोर पार्ट है अपने आप को वहां पे देखिए कि हमारा कमजोरी कहाँ पे है, और अपने कमजोरी पे क्या कीजिए अच्छे से वार कीजिए तभी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इक्वल टू -8। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिए हैं, आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है? कहेंगे बिल्कुल सर क्वेश्चन भी नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप -3j कैप +4k कैप। यहाँ पे मैं a1 b1 के रूप में नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं किस फॉर्म में ले रहा हूँ, यहाँ पे हम नंबर दे दिए हैं 1 2 3 4। यहां से आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे जब आपका B1 क्या है, इसमें से -2 यदि हम कॉमन लेते हैं तो क्या आपका आएगा 2i कैप +3j कैप। माइनस कॉमन ले रहे हो तो बीच में क्या हो जाएगा आपका, माइनस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखिए यहाँ पे +4k कैप, क्लियर है? हाँ चलो ये आ गया। अब यही चीज आपका वेक्टर ए है, यही चीज क्या है वेक्टर ए है। तो क्या बताएं हम कि वेक्टर ए यही आपका हो गया, यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज अ कोलिनियर। वेक्टर वी एंड वेक्टर वी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज कोलिनियर। डन, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आपको और क्लियर होगा। क्या क्लियर हो रहा है? आप देख पा रहे हैं कि 1 यानी 2 बाई 4, 2 बाई 4 इक्वल टू -3 बाई 6 इक्वल टू -4 बाई 8 इक्वल टू 1 बाई 2 के 1 बाई 2। जब आप क्या कर रहे हो, जब 1 बाई 2 से क्या कर रहे हैं, इसी तरह से मेरा 1 बाई 2 के क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? तो देखिए पॉलिनियर के इस टाइप के कैसा भी सवाल आएगा तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, और इसी तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो अब सेक्शन फार्मूले पे चलते हैं, कोई भी इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो बस उसे क्या करना है, यहां पे लैम्डा लैम्डा इक्वल टू क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो भैया आप इसी तरह से क्वेश्चन को किसी भी कोलिनियर को फाइंड करना है तो सबसे पहले मैं बताया ना, पहले मैं मेथड बता रहा हूँ आपको, मेथड समझिए, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और अपने जब तक प्रॉब्लम स्किल को नहीं बढ़ाएंगे तब तक मैथ में मजा नहीं आएगा, क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे। आप सोचोगे कि थोड़ा सा क्वेश्चन लगा लें और वहां से हो जाए तो नहीं होने वाला है। ठीक है, सेक्शन फार्मूला देखिए यहां पे क्या होता है। अच्छा एक चीज मान लीजिए कि ये आपके पास वेक्टर है, हम ले रहे हैं P और Q, दो वेक्टर ले लिए। क्या ले लिए? वेक्टर, दो वेक्टर को ले रहे हैं। यहां पे मान लीजिए हम पॉइंट P ले लें, पॉइंट O, कोई दिक्कत? यहां पे आपका मिड पॉइंट जो है वो वेक्टर आर है, सॉरी आर है। अब देखिएगा ये जो आपका है, ये देखिए वेक्टर ए है और ये देखिए वेक्टर बी है। यहां पे देखिए दो रेशियो की बात ही हो रही है, किसकी किसकी, यम और यन की, कौन सा वेक्टर में, वेक्टर ए और बी में, इसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी में।
अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा, यम और यन, क्लियर है? इसको वेक्टर ए और इसको वेक्टर बी कर लीजिए, और उन्हें बनाने में अभी हम आसान होगा, चाहे आप कहीं भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा सा अभी थोड़ा समझने के लिए जब हम इस टाइप के क्वेश्चन कराएंगे तो और आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि वेक्टर आर बराबर जो हो रहा है यम वेक्टर बी प्लस यन वेक्टर ए बाय एम प्लस यन। यदि मिड पॉइंट पूछ रहा हो, क्या पूछ रहा है? मिड पॉइंट यानी वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय टू होता है। और यदि यदि किसकी बातें कर रहा है, इंटरनल बोल रहा है, तो इसके लिए ये फार्मूला का यूज करते हैं। यदि एक्सटर्नल बोल रहा है तो इसके लिए हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, यम बी माइनस यन वेक्टर ए यम माइनस यन। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हाँ वेक्टर आर ही इसको लिख लीजिए, क्योंकि यहां पे देखिए हम लोग वेक्टर की ही बातें कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट से मेरा वही होगा। तो देखिए यहाँ पे वेक्टर आर, इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए, आसानी होगा, ठीक है? अब एक क्वेश्चन हम आप लोग के सामने ले रहे हैं कि मान लीजिए कि ये आपके पास क्वेश्चन दे रहा है, इसी में हम बता रहे हैं आप लोग को। यहाँ पे दे रहा है कि 1:2 यानी 2:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी यम की वैल्यू कितनी हो गई 2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, क्या समझेंगे? यहाँ पे दे रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और एक चीज और दिया है 3 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी, इस तरह से दे रहा है। तो जब इस तरह से दिया है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। जब वेक्टर ए, अब सेम इसी फार्मूले पर आप रख दो, क्या करोगे, सेम आप इस फार्मूले पर पुट कीजिए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन सबसे आसान होता है यार, सेक्शन फार्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब आप लोग को तो बहुत आसान लगता होगा। आसान है ही तो आसान ही लगेगा, आसान हम तो सिंपल मानते हैं कि आसान है ही, आसान तो आप लोग को लगेगा ही। प्लस यन के जगह पे क्या है 1, 3a माइनस 2b बाय एम प्लस यन यानी 2+1। तो अब वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b प्लस 3a माइनस 2 वेक्टर बी, डन। यहाँ पे 3 आ गया, क्या आ जा रहा है 5 वेक्टर ए बाय 3। ये देखिए हम सेक्शन फॉर्मूले से एक यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसी टाइप से। चलिए फिर नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेके आ रहे हैं, ये आप एनसीईआरटी का मैं 10.2 जो भी है देख लीजिएगा, जिसमें वेक्टर के चर्चे हो रही हैं, उसमें ये वाला चैप्टर का यानी 7.10.2 तक लगभग ये उसके पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट मैं दे दिया, ठीक है? 10 पॉइंट है, कौन है मुझे यह भी नहीं पता, देख लीजिएगा आप कौन सा चैप्टर है, ठीक है? यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट जो डॉट प्रोडक्ट के बारे में